2015 में नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन महागठबंधन था उस वक्त। दो चेहरा जिन्होंने आज बिहार की राजनीति को बदल दिया है और सैकड़ों कहे या करोड़ों युवाओं का वो जोश बन चुके हैं। आज उन्होंने एक ऐसे विपक्ष का निर्माण किया है बिहार में जिसके बाद एनडीए का सिंहासन डोल रहा है। आइए आज हम जानते हैं युवा अध्यक्ष राजद के कारी सोएब जी से कि दो युवाओं ने किस तरीके से बिहार के उन दिग्गज नेताओं को परेशान कर रखा है जिन्होंने लंबे वक्त से बिहार की कुर्सी को तो संभाली है पर बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो चौपट कर रखा है। कारी जी स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। सबसे पहले तो कारी सोएब जी, लालू जी की तबीयत कैसे? लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है। जिस तरह से उनको कई तरह की बीमारी, डॉक्टरों ने कहा कि 12 तरह की बीमारी, जिसमें से एक बड़ी बीमारी जो उनका किडनी प्रॉब्लम है। बड़े अफसोस की बात है कि इन साजिशकर्ताओं को थोड़ा भी माया मोह नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा के जो लोग होते हैं वो क्रूर होते हैं। उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, उनको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है नफरत फैलाना, इंसानियत को तार तार करना। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इंसानियत का आलमबरदार हैं, मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने में इनका कोई सानी नहीं है, दूसरा कोई जोड़ा नहीं है। वैसे शख्स को, वैसे महान शख्सियत को जो देश का सबसे बड़ा जनमानस का नेता है, देश ही नहीं दुनिया में इनके चाहने वाले लोग हैं। इनके नाम से कई सऊदी में भी एक चौक का नाम लालू चौक रखा गया है, समझिए इनकी पब्लिसिटी कितनी है। वैसे नेता को जिनसे करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, वैसे लोगों को, वैसे नेता को ऐसे हॉस्पिटल में रखा गया जहाँ नेफ्रो का मतलब यूनिटी नहीं है जी, वो किडनी का क्या इलाज होगा? तो यकीनन ये बात साबित होती है केंद्र और राज्य सरकार उनको मारने का साजिश कर रही है, उनकी हत्या की साजिश कर रही है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कर्पूरी जी को मारा था, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी, ये वही लोग जो समाजवाद विचारधारा को ख़त्म करने के लिए अपना सारा कुछ लगा दिया, मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चलने वाले लोग, इन लोगों से और उम्मीद क्या कह सकती है? इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के तमाम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि आप याद रखो जब कर्पूरी ठाकुर जी को और गांधी जी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा और लालू जी को इतना परेशान कर रहे हैं, तो समझो कि अगर ये लोग फुलफिलेज आ गए और लालू जी जैसा नेता हम लोगों के बीच में नहीं रहा तो फिर उसके बाद हम लोगों का क्या होगा? गरीबों का कौन सुनने वाला है? गरीबों की कौन बात करने वाला है? अंतिम पायदान पर बैठे हुए कौन, उनके लिए कौन बात करने वाला है? ये तो बाजार के लोग हैं, ये तो FDI लाने वाले लोग हैं, ये तो पूंजीपतियों के लाग हैं लोग हैं। इनको तो मोहब्बत अगर है तो अडानी अंबानी से है, इनको मोहब्बत है तो अगर टाटा बिरला से है, इनको पूंजीपतियों से प्यार है, इनको गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, दलितों से कोई मतलब नहीं है। इनको दलितों की चमड़ी चाहिए, इनको माइनोरिटीज की मॉब लिंचिंग चाहिए, लेकिन वोट के वक्त जब वोट आता है तो दलित भी इनके सामने हिंदू हो जाता है, जब वोट ख़त्म हो जाता है तो दलित हिंदू नहीं रहता है, पिछड़ा अति पिछड़ा हिंदू नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण भी ख़त्म करना चाहते हैं, दलितों के भी आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश कराह रहा था, जब देश ललकार रहा था क्या कोई मर्द है निकलने वाला तो लालू जी के विचारधारा को लेकर आगे चले, ऐसी परिस्थिति में 28 साल का नौजवान तेजस्वी यादव निकलते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ जो गांधी, अम्बेडकर और लालू जी के विचारधारा को लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा। उन्होंने एक संविधान बचाओ न्याय यात्रा निकालने का काम किया, पूरे देश में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब देश के 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के आए और उन्होंने देश के लोगों से कहा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, देश बचा लो। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में एक बड़े बड़े विद्वान थे, सारे लोग बेचैन थे, परेशान थे, नींद हुई हुई थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 28 साल का नौजवान उठता है और निकलता है और संविधान बचाओ न्याय यात्रा लेके निकल जाते हैं, पूरे गांव-गांव लोग घूमने का काम करते हैं संविधान को बचाने के लिए। इनके ही संविधान बचाओ न्याय यात्रा का मकसद हुआ, पूरा इसलिए हुआ कि पूरे देश में लोगों ने संविधान बचाने की कसम खाने लगे और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बाद में निकाला और बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर लग गए, कोई रथ के ज़रिए लगे, कोई कलम के ज़रिए लगे, कोई किताब लिख करके, कोई अखबार के ज़रिए, जो जिस क्षेत्र में है जहाँ है वहाँ लग गए। इसका पूरा सेहरा अगर किसी को जाता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इस वजह से इनसे विपक्ष, भाजपा, आरएसएस का लोग
नीतीश कुमार जैसे पलटू राम जैसे लोग अगर तेजस्वी यादव से घबराते हैं और इनका नाम सुनते ही उनके माथे पे पसीना आ जाता है, इसलिए ये लोग देखता है कि लालू यादव का पूरा जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ के तेजस्वी यादव ने काफ़ी आगे ले जाने का काम किया है। और ये लालू जी ने जिस तरह से कभी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जेल जाना कबूल किया लेकिन कभी अपनी विचारधारा से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसी तरह तेजस्वी जी भी किसी तरह का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लोगों में बड़ी आशा है इनके प्रति। पूरे देश के यूथ आइकॉन हैं। आज देश विदेश से भी हमारे पास खबर आती है कि लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, हर जगह तेजस्वी यादव का धूम मचा हुआ है। यही इनके डर और परेशानी का कारण बना हुआ है। एक लालू यादव थे, अब तो तेजस्वी भी आ गए, तेज प्रताप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।